नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर बिगिन टू लर्न पर फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में। और ये क्लास पेट्रोकेमिकल और पेंट टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए या फिर उन सभी बच्चों के लिए जिनके पास फंक्शनल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। तो आपने पिछला वीडियो देखा है, पिछले वीडियो में हमने जाना है कम्युनिकेशन के बारे में, किस तरीके से सेटेलाइट्स हेल्प करती हैं और कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं, एनिमल्स में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, उन सभी चीज़ों को हमने जाना। एंशंट टाइम पर कम्युनिकेशन किस तरीके से होते था, इन सभी बात चार चीज़ों के बारे में हमने जाना, डिटेल से जाना है। चैप्टर आपके सामने है, मैंने बुक आप सभी को प्रोवाइड करवा दी है। तो नेक्स्ट चैप्टर आज का चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश सेक्शन का, और ये है आपका अंतरिक्ष की खोज, मीन्स इंग्लिश में एक्सप्लोरिंग स्पेस। चलिए, और ये इंग्लिश सेक्शन का है क्योंकि ये बुक मेरे पास जो है इसमें आप देखेंगे इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन दोनों हैं। और जैसा मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन यहाँ बुक में देखेंगे आप, बुक में आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको पूरी बुक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेल करा दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई पीडीएफ नोट्स इसके अलावा प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं मार्क करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके इसी में क्वेश्चन भी हैं, इसी में आंसर्स भी हैं, तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा सब कुछ। मैं सिर्फ आपको यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, मीन्स आपको मैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के बारे में समझा रहा हूँ। अगर उसके बाद भी कोई आपके लिए समस्या रह जाती है तो आप मुझे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बताइए, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लीजिए मुझसे, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम चैप्टर शुरू करें। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह आपने अब मैंने देखा है फंक्शनल कम्युनिकेशन की गूगल क्लास में बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। बाकी यूट्यूब चैनल पर आप ज्वाइन करें ना करें, क्योंकि सीधी बात है, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने का सीधा एक मतलब ये होता है कि आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सीधा लिंक और नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, अगर बेल आइकन को आप उसमें एक्टिवेट करते हैं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं। नहीं तो आपको गूगल क्लासरूम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पर मैं यहाँ से लिंक सेंड कर देता हूँ, तो वो थोड़ी सी मेहनत हमारी कम हो जाएगी आगे चल करके। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गूगल क्लासरूम को रिकॉर्ड के लिए आपको मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा नहीं है गूगल क्लासरूम में, बहुत ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया है उसे। और टेलीग्राम चैनल को आप एक बार को बेशक ज्वाइन ना करें, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लेंगे तो सारी चीज़ों से अल्टीमेटली फ़ायदा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर बहुत जल्दी आपका कांटेक्ट हो जाएगा, यूट्यूब पर आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है आपके लिए कि अगर आपने, मैंने कहा था, अपने जो भी साथी, जानने वाले साथी हैं, उन सभी को आप ये लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फंक्शनल कम्युनिकेशन के टीचर्स नहीं है, उन्हें क्लासेज नहीं मिल पा रही हैं, तो यहाँ से उनको लिए क्लासेज आप अवेल करा देंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी, तो वो भी बच्चे पीछे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उन्हें भी सारे नोट्स आप प्रोवाइड करवा दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए, लेट्स बिगिन टू लर्न अबाउट एक्सप्लोरिंग स्पेस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो भी स्पेस में क्या क्या होता है। हमने जाना कि फर्स्ट चैप्टर हमने जाना कम्युनिकेशन होता है ड्यू टू सेटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। अब इस जगह हम जानेंगे सेटेलाइट किस तरीके से काम करती हैं। पिछले चैप्टर में हमने जाना सेटेलाइट दो तरीके की होती हैं, एक्टिव सेटेलाइट्स और पैसिव सेटेलाइट। ये सारी बातें आपको ध्यान होंगी। चलिए अब इस चैप्टर में हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप सभी लोगों के आंखों के सामने है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सभी लोग देखेंगे, फॉर थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ द ईयर मून हैज बीन गोइंग राउंड टू द अर्थ। ड्यूरिंग दिस टाइम द मून हैज बीन द ओनली सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। टूडे हाउ एवर द अर्थ हैज मेनी अदर सेटेलाइट्स ऑल मेड बाई मैन। दीज आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर वेरी मच स्मॉलर देन द मून। However, some of them will be going round to the earth thousands of the year from now. देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, और वर्षों से है, और वही एक ऐसा अकेला उपग्रह है अब अंतरिक्ष में, अब नहीं है कि वही एक अकेला उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। मानव द्वारा निर्मित बहुत सारे उपग्रहों को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, वो भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स मून से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, चंद्रमा से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे सैटेलाइट्स आगे सैकड़ों सालों तक चक्कर पृथ्वी का लगाते रहेंगे। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन था। खैर, हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी कि अकेला चंद्रमा ही सैटेलाइट नहीं है अर्थ का, बाकी अदर सैटेलाइट भी अर्थ के हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट फॉल बिकॉज दे आर गोइंग टू फास्ट टू डू सो, देयर स्पीड एंड द पुल ऑफ द अर्थ और इट्स ग्रेविटी स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दिस, एज अ रिजल्ट दे ट्रेवल इन एन ऑर्बिट राउंड द अर्थ। हम जानेंगे, आप दिमाग सोच, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, चलिए ठीक है, जिस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो प्राकृतिक है, चलिए छोड़िए, लेकिन बाकी जो मानव छोड़ता है बाकी उपग्रह को, ये आपके सैटेलाइट धरती पर वापस क्यों नहीं गिर रहे हैं, इसके चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण है, इसका जो आपका ग्रेविटी एरिया है, जो अर्थ का जो ऑर्बिट है, जो थोड़ा सा आपका फिजिक्स में जाना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, तो फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं इतना बेहतर नहीं समझा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतना बेहतर मैं समझा सकता हूँ उतना मैं आपको बता रही कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका जो भी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे आप कहते हैं, उसके कारण और जो ऑर्बिट है उसका अपना एक अलग फोर्स होता है, और इनको धरती से भेजा जाता है एक स्पेशल स्पीड पर, इनकी एक निश्चित स्पीड होती है, जिस स्पीड से जिससे कि पृथ्वी कई सारी लेयर, चार लेयर होती है, उनको पार करना होता है, वहां जाकर के उनको छोड़ा जाता है पृथ्वी के ऑर्बिट में। तो इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी के साथ, फिजिक्स का यूज करने के बाद, भौतिकी के साथ इनको हम नीचे पृथ्वी की कक्षा में छोड़ देते हैं, वहां पर ये उसके साथ साथ चक्कर लगाते रहते हैं, वहां इसका फील्ड का अपना एक अलग कोर्स है, वहां पर उस तरीके से चक्रण करते रहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे जरा, इफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ट्रेवल्स अबव अ सर्टेन हाइट, इट कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन राउंड द अर्थ जस्ट लाइक द मून। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, कृत्रिम उपग्रह को, एक निश्चित दूरी पर, निश्चित ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, तो ये पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता रहता है, जैसे कि हमारा चंद्रमा घूम रहा है। दिस इज बिकॉज इट इज अबव द एटमोस्फियर एंड देयर इज नथिंग टू स्लो इट डाउन। इफ इट ट्रेवल्स लोअर देन दैट, इट विल बी स्लोड डाउन एंड सो मच दैट इट विल फॉल टू द अर्थ। वहां पर इसे छोड़ा जाता है, तो इसे हम निर्वात कहते हैं, ठीक है, और मैं आपको निर्वात कहते हैं उसे, मैं आपको बता रहा हूँ निर्वात में क्या होता है। वहां पर इसकी स्पीड को रोकने वाला कोई भी नहीं, जिस स्पीड पर इसे छोड़ा जाता है, पहले मेजरमेंट किया जाता है किस स्पीड से वहां पर छोड़ना है, ये सब कुछ बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, मेजरमेंट करने के बाद उसकी स्पीड का पता लगाने के बाद उसी स्पीड से अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, और वहां पर इनको रोकने वाला, स्लो डाउन करने वाला कोई और दूसरा कोई वस्तु नहीं है, जैसे स्लो डाउन करे या टकराने के बाद रुक जाए। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वहां पर कई सारे ऑर्बिट से उल्का पिंड वगैरह, इस तरीके की बहुत सारी वस्तु आकर के टकरा जाती हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, उसे ना झेलने की शक्ति इसमें होती है, तो उसे स्लो डाउन करने वाला कोई नहीं होता, अपनी स्पीड पर ही चलते रहते हैं ऑटोमेटिक। इन्हें चलाने के लिए कोई इंजन, धरती से ऊपर भेजने के लिए इंजन की जरूरत होती है, लेकिन वहां छोड़ने के बाद इनमें किसी प्रकार के इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली उसी स्पीड में ये चलते रहते हैं। अगर ये स्लो हो जाएंगे तो ये सीधी बात है धरती पर वापस से गिर जाएंगे, ठीक है सर, तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, अगर इनकी स्पीड कम हो जाती है तो वापस धरती पर ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद है आपकी समझ में बात आ रही होगी, और जितना मैं बता रहा हूं आपको, आगे देखेंगे, आपके सामने है चौथा पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ है बिफोर मैन कुड पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन टू द स्पेस they had to find a way of launching them, a satellite cannot be launched by aeroplane because aeroplane must stay in the atmosphere। ये बात बड़ी गौर की है और सोचने सोचने वाली है, सारी की सारी बातें कॉमन सेंस वाली हैं। हम ये कहेंगे कि ठीक है, हमने छोड़ दिया सैटेलाइट को, सर आप कह रहे हैं सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोड़ा किस तरीके से जाता है, तो इनको छोड़ने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर से इनको छोड़ा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में, तो वहां पर देखिए सीधी बात है, इनको छोड़ने का तरीका ढूंढा जाता है, ठीक है। इनको पृथ्वी में छोड़ने के तरीके को बोलते हैं हम लॉन्च, इतना शब्द, थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देंगे, लॉन्चिंग जो है यहाँ से अर्थ से इनको छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है अर्थ के ऑर्बिट में जाने के लिए, उस वर्ड को हम लॉन्च कहते हैं, ना कि यहाँ से उसे किसी भी तरीके से छोड़ने के, और भी बाकी जो अदर वर्ड्स होते हैं कि छोड़ दिया है या फिर यहाँ से उसे लीव कर दिया, लेफ्ट कर दिया, इस तरीके से वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, लॉन्च एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए, उसको आप ध्यान रखेंगे, तो ये छोटी छोटी गलतियां आप ना करें। चलिए तो उसे लॉन्च कर दिया जाता है, और इतनी बात ध्यान रखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, सैटेलाइट कैन नॉट बी लॉन्च बाई एन एरोप्लेन बिकॉज एरोप्लेन मस्ट स्टे इन द एटमोस्फेयर।
किसी भी सैटेलाइट को एरोप्लेन से हम नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी, बच्चों वाली बात है, कि एरोप्लेन जाते हैं ऊपर छोड़ के एरोप्लेन के द्वारा ही छोड़ दिया जाता होगा। सर आपको बता दूं, एरोप्लेन जो है आपकी फर्स्ट लेयर पर भी नहीं आप ऊपर उड़ते हैं, उसमें कई हजार किलोमीटर का डिफरेंस होता है लेयर में, जो पृथ्वी के ऊपर चार लेयर जो हैं उनमें। तो ये पहली सतह के नीचे ही उड़ते हैं आपके एरोप्लेन, ऊपर नहीं जाते हैं। तो इनको एरोप्लेन को द्वारा नहीं छोड़ा जाता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्हें छोड़ने के लिए स्टेबल व्हीकल चाहिए, और एरोप्लेन को अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन कभी एक जगह पर स्टेबल नहीं होता है, वो आगे हमेशा ट्रेवल करता रहता है। तो इसलिए उसे छोड़ना हमारे लिए ज़्यादा कामयाब की बात, या फिर बिल्कुल भी कामयाबी उसमें नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो हम देख रहे हैं, देयर इंजन नीड एयर टू बर्न देयर फ्यूल एंड पुल द एरोप्लेन अलोंग। उनके एयर आगे का दूसरा कारण जो दिया है, ये दिया है कि एरोप्लेन्स के इंजन को, देयर मीन्स एरोप्लेन्स के इंजन को हवा की जरूरत होती है, उसमें ईंधन को जलाने के लिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए हवा की जरूरत होती है, एंड टू पुल द एरोप्लेन अलोंग, और पूरे इंजन को, पूरे एरोप्लेन को वो आगे की तरफ खींचता है। ठीक है, चलिए, नॉर कार नॉर कैन अ सैटेलाइट बी लॉन्च्ड बाय सम ग्रेट गन। और ऐसा भी नहीं है कि किसी गन से, ठीक है कि आपने कहा ठीक है सर हम जो एरोप्लेन से नहीं छोड़ सकते, वो चलता रहता है, लेकिन हम यहाँ से गन से तो लॉन्च कर सकते हैं उसे। किसी एक बहुत सुपर गन बना दीजिए और उसे उसमें रखिए और लॉन्च कर दीजिए, जैसे हम एक रॉकेट लॉन्चर करके, आपका एक गन भी आती है जैसे टेररिस्ट वगैरह को, या फिर आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी भी यूज करती है टेररिस्ट को भगाने के लिए, युद्ध में लड़े जाते हैं, तो उस गन का यूज क्यों ना कर लेते हैं हम। उसका नाम भी रॉकेट लॉन्चर होता है उसमें रखे। देखिए सर, उसके लिए भी आप देखेंगे कि पहली बात अगर हम ये कहें कि वो गन छोटी, एक उस गन को युद्ध में लड़ने के लिए उस गन को 3 से 4 लोग ऑपरेट करते हैं, जबकि अब आप इतना बड़ा एक सैटेलाइट, छोटा मोटा नहीं होता, सैटेलाइट बहुत बड़ा होता है, उसको लॉन्च करने के लिए सुपर गन बनाएंगे। तो सर सुपर गन बनाएंगे, आप सोचिए जरा कितना बड़ा एरिया आपको चाहिएगा। फिर उसके बाद से अगर आप उसे लॉन्च करेंगे, दूसरी बात, उसके बाद इसके जरा कारण देखना, ये कारण क्या क्या देने वाला है आगे। ये कारण देगा कि सीधी बात है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, यहाँ से तो हमने ट्रिगर दबा दिया, लॉन्च कर दिया, लेकिन क्या पता हमें कहाँ जाकर के रोकना है, उसकी स्पीड ज़्यादा निकल गई, पता चला कि जहाँ छोड़ना था उससे भी आगे निकल गया, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो इनकी सरफेस होती है वो एयर से फ्रिक्शन करती है, और फ्रिक्शन के साथ साथ इनमें हीट के कारण आग लगने के चांसेस रहते हैं, तो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना पड़ता है हमको बीच में, इसीलिए हम किसी गन से लॉन्च नहीं कर सकते हैं। देखा होगा आपने, किसी गन से हम अगर बुलेट को फायर करते हैं तो उनमें असर, उसकी सरफेस गर्म होती है, बुलेट बहुत गर्म होती है, आग लग जाती है उससे। तो ये इसी कारण होता है, क्योंकि एयर में फ्रिक्शन के कारण उसके साथ में आग लग जाती है गन में, उसके बुलेट में, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो एक इसका डिमेरिट है, डिमेरिट का मतलब इसी वजह से इसको हम किसी गन से लॉन्च नहीं कर सकते। तो गन वाला आइडिया आपका फेल हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके कारण देखिए क्या क्या दे रहा है ये। दिस इज बिकॉज द गन वुड सेंड इट सो फास्ट थ्रू द लोअर एयर दैट द फ्रिक्शन ऑफ द एयर वुड हीट द सैटेलाइट अंटिल इट बर्न। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो हमारे एटमोस्फेयर में एयर है उसके अकॉर्डिंग गन की जो स्पीड होगी, गन से जो लॉन्च करेंगे उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन होगा और वहाँ पर वो आग पकड़ लेगा आपका सेटेलाइट, और तब तक आग नहीं बुझ पाएगी जब तक ये आपको पूरी तरह से जल नहीं जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सैटेलाइट मस्ट बी लॉन्च स्लोली थ्रू द लोअर एयर एंड इट मस्ट बी कैरिड आउट ऑफ द स्पेस। ये जो हमारे एटमोसफेयर में जो एयर है, लोअर एयर, उसके अकॉर्डिंग छोड़ना चाहिए, उसके बाद जहाँ स्पेस छोड़ना है वहाँ उसके अकॉर्डिंग की स्पीड को हमें मेंटेन करना पड़ता है। द ओनली वे ऑफ डूइंग दिस बाई यूजिंग अ रॉकेट। और इसको करने का एकमात्र तरीका है, वो क्या है, रॉकेट, हमको रॉकेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, पांचवे पैराग्राफ पर चलते हैं। पांचवा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये है, देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है। अ रॉकेट बर्न्स अ फ्यूल दैट मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ गैस एट अ बैक ऑफ इट। जो आपका रॉकेट होता है वो फ्यूल से चलता है, और वो फ्यूल क्या होता है, वो होती है हमारे पास गैस। ठीक है ना, अब आप लोगों को पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर तक आप पढ़ के आए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि फ्यूल में आपका यूरेनियम भी हम रॉकेट में यूज करते हैं। तो हम आगे देखेंगे यूरेनियम का यूज किन रॉकेट में किया जाता है, और गैस का यूज किन रॉकेट में किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें लिक्विड रॉकेट, आपका लिक्विड फ्यूल जैसे आपका पेट्रोल और डीजल हो गया, उसे क्यों नहीं यूज करते हैं, उसे भी तो हम यूज कर सकते हैं। उसके पीछे के सारे कारण हम आगे जानेंगे, पहले आप चैप्टर को साथ साथ पढ़ते चलिए, मैं तो आपको बता दूंगा क्या है, मुझे सब पता है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। वैसे नहीं, मैं कोई ज़्यादा बड़ा साइंटिस्ट है वो नहीं हूँ,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर मुझे पता है चैप्टर में क्या क्या है, लेकिन आप लाइन बाई लाइन पढ़िए तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। और हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से, आप भी आगे वीडियो को बढ़ाते रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए आपके अपने सभी दोस्तों में जो भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में फंक्शनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को रखते हैं अपने पास में, जो भी फंक्शनल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा आप करवाते रहिए साथ साथ में, ठीक है ना। मैं तो आपका फ़ायदा करवा ही रहा हूँ यहाँ। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी इसे आगे बढ़ाइए, चलिए साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कारण है, गैस ही क्यों रखते हैं, ठीक है। एज इट इज मेड दिस गैस पुशेस अगेंस्ट द रॉकेट एंड सेंड्स इट फॉरवर्ड, जो उसके पीछे गैस सिलेंडर या फिर जो भी गैस होती है उसमें जैसे आग लगती है प्रेशर लगता है, और प्रेशर की वजह से उस गैस की वजह से वो गैस उसे आगे गैस जल करके पीछे निकलती है, और प्रेशर से आपका रॉकेट जो है आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, सपोज करिए आपका ये रॉकेट है और उसके पीछे गैस में इसमें आग लगेगी, तो इस तरीके से पीछे की तरफ में आपका गैस प्रेशर से निकल के भागेगी आग से, और आपका रॉकेट उसी फ्रिक्शन की वजह से उसी फोर्स की वजह से आगे की तरफ ये रॉकेट बढ़ेगा। तो ये उसमें ये आपका प्रिंसिपल काम करता है। ऑर्डनरी फ्यूल विल बर्न ओनली इन द एयर बिकॉज इट नीड द ऑक्सीजन इन द एयर। अब आपको समझ में आया क्या कह रहा है ये बात, कि आपका जो ऑर्डनरी फ्यूल जो होता है, जैसे आपका हो गया पेट्रोलियम और आपका गैसोलीन हो गया या फिर आपका ये डीजल हो गया, ये ऑर्डिनरी फ्यूल्स कहलाते हैं। और ऑर्डिनरी फ्यूल्स आपके क्या करेंगे सर, इनको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन एयर में होती है, इनके साथ कोई प्रेशर आपका व्हीकल नहीं लगा पाएगा। अब कहेंगे सर व्हीकल में ये प्रेशर नहीं लगा पाएगा, आपकी बसेज और बाइक कैसे चल जाती हैं। देखिए सर इंजन में ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर के रिएक्शन करते हैं और ये जल जाते हैं, और इनके साथ देखा होगा आपने गियर्स को लगाया होता है, ठीक है, वो गियर्स आपके आपके व्हीकल को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इंजन के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिकल और मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ उन टीचर से आप पूछेगा क्या है रीजन इसका, मेरे पास इसका जो आपके सामने लिखा हुआ ये रीजन यही है, ठीक है। चलिए हाउएवर रॉकेट फ्यूल्स हैव देयर ऑक्सीजन इन देम सो दे बर्न विदाउट द एयर। अब देखिए जो भी आपके रॉकेट फ्यूल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन होती है, ऐसा नहीं कि सर कहेंगे सर आपका ये पेट्रोल है उसे ऑक्सीजन जरूरत होती है, तो दूसरी गैस भी हम जानते हैं कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो क्या दूसरे फ्यूल हैं जो गैस हैं वो बिना ऑक्सीजन के कैसे जल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं आगे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपके पास दो फ्यूल्स होते हैं, दो गैस सिलेंडर होते हैं हर एक रॉकेट में। एक तो आपका स्पेशल, पहली बात तो उनमें होता है लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है आपका ऑक्सीजन, और दूसरा गैस होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर को सिलेंडर भरे जाते हैं हाई प्रेशर के साथ, जो आप घर में डोमेस्टिक पर्पज में यूज करते हैं आपका एलपीजी होता है, एलपीजी का मतलब आप जानते ही हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन को भी लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है सिलेंडर में, और दूसरी गैस जो होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है या फिर अदर दूसरी गैसेज भी हो सकती हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल जाएं। इस तरीके से उनको हाई प्रेशराइज करके लिक्विफाई करके सिलेंडर में फिल किया जाता है, और उस लिक्विफाई करने के बाद उनका जो प्रेशर है इतना ज़्यादा घटा दिया जाता है ताकि सॉरी बढ़ा दिया जाता है जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती हैं, और लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद उन वो ठंडी हो जाती हैं काफ़ी, जिससे कि अगर प्रेशर बढ़े भी तो जितनी जल्दी गर्म होकर के आग ना पकड़ लें या फिर सिलेंडर ना फट जाए, ठीक है सर। तो इस चीज़ को हम आगे जानेंगे, देखेंगे जरा। रॉकेट फ्यूल्स हैव देयर ऑक्सीजन इन देम एंड सो दे बर्न विदाउट एयर, अ रॉकेट कैन देयरफॉर ट्रेवल आउटसाइड द एटमोसफेयर इन द स्पेस, इन फैक्ट इट विल ट्रेवल फास्टर इन द स्पेस देन इन द एयर। देखिए सीधी बात मैंने आपको कही थी कि हमको इनकी स्पीड को कंटिन्यू मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ती है, घटाने बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें साफ साफ आप देख रहे हैं कि रॉकेट को जो हमारे एटमोसफेयर में है यहाँ जितनी तेज वो चलती है उससे कहीं तेज वो स्पेस में चल सकती हैं, ठीक है, बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ द एयर स्लोज इट डाउन, जो एयर का फ्रिक्शन है उसे स्लो करता है, जबकि वहाँ जैसे ही एयर वाले एटमोसफेयर को क्रॉस कर जाएंगे वहाँ इसको स्लो करने वाली कोई भी चीज़ वहाँ पर हमको नहीं मिलेगी, तो वहाँ ये ज़्यादा तेजी से दौड़ पाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें नंबर के पैराग्राफ में अब आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे ये आपका छठवां नंबर का पैराग्राफ आपके आंखों के सामने है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रॉकेट फ्यूल्स, पहले बता चुका था मैं रॉकेट फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ रॉकेट फ्यूल्स, वन और प्रोपेलेंट फ्यूल को आप प्रोपेलेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, प्रोपेलेंट भी होता है आपका और फ्यूल तो आपका है होता ही होता है। तो रॉकेट को फ्यूल को हम प्रोपेलेंट कहते हैं, मेनली हम इसे प्रोपेलेंट कहते हैं, ठीक। वन इज लिक्विड ऑन द
अदर इज सॉलिड। जो हमारे प्रोपेलेंट होते हैं रॉकेट में जलाने के लिए, वो होते हैं दो तरीके से, मैंने आपको बताया दिया। एक का नाम पहले आपको बता देते हैं, यूरेनियम जो था आपका, यूरेनियम ठीक है। एक तो आपका यूरेनियम होता है वो सॉलिड होता है सॉलिड फॉर्म में, और दूसरा आपने बताया दो तरीके होते हैं, एक तो लिक्विड होता है दूसरा होता है आपका सॉलिड। तो यूरेनियम आपका सॉलिड होता है और लिक्विड फॉर्म में आपको मैंने बताई दिए, जो हम ऑक्सीजन और ये गैसेज को रखते हैं लिक्विफाई करके रखते हैं सिलेंडर में, तो उनको लिक्विड फॉर्म में हम इनक्लूड कर लेते हैं। अदरवाइज जो आपके दूसरे होते हैं, जैसे आपका लिक्विड फॉर्म में ये पेट्रोल हो गया या फिर आपका डीजल हो गया, ये वो भी होते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल को हम इसमें यूज नहीं करते हैं। इसलिए हमने दो तरीके के ईंधन के बारे में बात की है, एक तो लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड इसलिए बोला, गैस इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में रखते हैं सिलेंडर भर के। अब आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, द लिक्विड प्रोपेलेंट कंसिस्ट ऑफ टू लिक्विड्स विच आर केप्ट इन स्क्वेयर टैंक्स ऑफ ओनली मिक्स्ड एट द मोमेंट ऑफ बर्निंग। देखिए, मैंने आपको बात कही थी, उनको जो प्रोपेलेंट होते हैं वो दो तरीके के लिक्विड्स होते हैं और दो दो सेपरेट टैंक्स में उनको रखते हैं, और उनको जब उनको जलाने का समय होता है, जो जरूरत होती है, तभी उस समय उनको मिक्स किया जाता है, मिक्स एट द मोमेंट ऑफ बर्निंग, ये आपने देखा है। तो जिस समय जलाने का समय होता है, जिस समय उनको मिक्स किया जाता है, और वो अपने आप रिएक्शन करने के बाद ही वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं। यूजली वन ऑफ द लिक्विड इज ऑक्सीजन, बताया था मैंने आपको, उनमें से एक ऑक्सीजन होता है, विच इज केप्ट सो कॉल्ड दैट इज लिक्विड कैन नॉट अ गैस। उनको एक गैस फॉर्म में नहीं रखा जाता है, लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, ये बता समझ में आ गई। द अदर लिक्विड इज अ फ्यूल दैट बर्न्स वेरी फास्ट विद द ऑक्सीजन। जो दूसरा लिक्विड जो होता है वो भी गैस फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है आपकी, या फिर कोई दूसरा और गैस, जैसे जो जल्दी रिएक्शन करके आग पकड़ ले, ऐसी कोई गैस आपकी हो सकती है। तो आपने देखा यहाँ पर, हमने जाना इस पैराग्राफ में कि जो प्रोपेलेंट होते हैं आपके, तो प्रोपेलेंट दो तरीके के होते हैं, रॉकेट्स में यूज करने वाले, एक तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं दूसरे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको दो तरीके से रखते हैं, अलग अलग सिलेंडर में सेपरेट टैंक्स उनको रखा जाता है, और उनको मिक्स किया जाता है जब उनको जलने का समय होता है। मीन्स वहां पर हम देखेंगे आगे पैराग्राफ में जानेंगे, उन्हें हम वॉल्व से कंट्रोल करते उन जो लिक्विड्स है जो प्रोपेलेंट है उनको हम वॉल्व से कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने देखा ना, पानी का टैंक हमारे पास हम घर में रखते हैं, तो पानी के टैंक में टैप भी होता है, उसमें एक वॉल्व होता है छोटा सा, जैसे कब खोलना है कब बंद करना है, कितना खोलना है कितना बंद करना है, किसी कंट्रोल करते हैं, वैसे ही वहां भी उसे हम कंट्रोल करते हैं वॉल्व से, ठीक है। तो उनमें से एक आपको पता ही है ऑक्सीजन होता है, दूसरा वाला आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, आपका दूसरा अदर कोई बर्निंग गैस जो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट करके जल सकती हो, ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 में आप देखेंगे, हम जानेंगे अब उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है। द सप्लाई ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट कैन इजीली बी कंट्रोल बाय द वॉल्व्स। आपको मैंने बताया था, हम अगले चैप्टर में अगले पैराग्राफ में जानेंगे कि जो सप्लाई होती है उनकी, जो प्रोपेलेंट को हम कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वॉल्व। दिस गिव्स अ वे कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द रॉकेट बाई सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ। द वॉल्व्स कैन बी मूव्ड इवन व्हेन द रॉकेट इज आउट ऑफ द स्पेस। अब कहेंगे सर वहां पर, आप कहेंगे कि सर वहां रॉकेट तो अकेला जाता, कोई आदमी तो जाता नहीं है, रॉकेट वापस नहीं आता वहां से लौट करके, तो उसे कंट्रोल कौन करता है? तो यहाँ आपका हियर इज योर आंसर लिखा है, द कंट्रोलिंग ऑफ स्पीड द, ये जो दिस कहाँ है, दिस गिव्स अ वे ऑफ कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द रॉकेट बाई सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ। उनको प्रोपेलेंट हैं आपके, प्रोपेलेंट हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द स्पीड, अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द स्पीड कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने, जब वो बर्निंग हो रही है प्रोपेलेंट की, तो आपकी रॉकेट की स्पीड बढ़ जाएगी। अब उसकी स्पीड कम करनी है तो क्या करना होगा सर? वहां पर हमको प्रोपेलेंट को बंद करना होगा जलने से। तो क्या होता है वहां पर, उसके लिए हम वॉल्व यूज करते हैं, ठीक है। अब हमको जैसे ही पता चला कि स्पीड कम है, बढ़ानी है, तो वॉल्व को हम ओपन कर देंगे। अब ओपन कैसे करेंगे? वहां बेशक हमारा रॉकेट में कोई वायर नहीं होता, लेकिन रेडियो सिग्नल्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां रेडियो वेव वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते थे, जिसे आप पैसिव सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट, आप दोनों को, आप सभी को ध्यान होगा दोनों तरह के सैटेलाइट के बारे में। तो ये जो आपके सैटेलाइट हैं, वहां पर हम जो एक्टिव सैटेलाइट में यूज किया जाता है लगाने के लिए, और वहां पर उसे रेडियो सिग्नल के थ्रू वॉल्व को कंट्रोल किया जाता है बंद करने के लिए और चालू करने के लिए। तो इन्हें कंप्यूटर के द्वारा रेडियो सिग्नल से कंट्रोल किया जाता है पृथ्वी से ही। द वॉल्व कैन बी मूव्ड इवन व्हेन द रॉकेट इज आउट ऑफ द स्पेस। जब रॉकेट स्पेस से बाहर भी होती है, तब भी उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं रेडियो सिग्नल के थ्रू। द रॉकेट इंजन कैन बी स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड अगेन।
इसके रॉकेट के इंजन को बार बार हम चालू भी कर सकते हैं, बार बार इसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है सर। और स्लो डाउन जस्ट एज वी वांट, उसकी फ्यूल की इफिशियंसी को हम कम कर देंगे, उसकी स्पीड ही कम हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स एट द ग्राउंड स्टेशन। सॉलिड प्रोपेलेंट ऑन द अदर हैंड, अब ये कहेंगे सॉलिड प्रोपेलेंट की बात आ रही है तो सॉलिड प्रोपेलेंट क्यों नहीं यूज करते, मैंने आपको कहा था हम आगे इसमें जानेंगे, अब ये समय आ गया जानेंगे आप। तो सॉलिड प्रोपेलेंट जो आपका मैंने बताया था वो होता है यूरेनियम, और यूरेनियम को आप यूज करेंगे तो क्या होगा सर, यूरेनियम में आप देखेंगे एक बार जब आग लग गई ना फिर वो बंद नहीं होगा जलना, ना तो उसमें पानी डाल सकते ना कुछ भी, यूरेनियम इतना हाई बर्निंग मटेरियल होता है कि वो एक बार जला तो वो पूरा जलने के बाद ही खत्म हो सकेगा, इसलिए हम उसे यूज नहीं करते हैं। तो अब देखेंगे सॉलिड प्रोपेलेंट, आगे पढ़िए जरा, ऑन द अदर हैंड बर्न्स स्पीडली वंस इट हैज बीन लिट एंड कैन नॉट बी मेड टू बर्न मोर स्लोली, एक बार ये जल गया तो उसी रफ्तार से जलता जाएगा और इसे हम बाद में कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड अगेन, इट कैन बी का मतलब जो आपका लिक्विड प्रोपेलेंट है उसे हम बंद कर सकते हैं चालू कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम इसे ना, एक बार चल गया तो वो बंद नहीं होगा, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसे चालू बंद कर सकते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा कठिन है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड प्रोपेलेंट। इफ वी वांट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द रॉकेट वी यूजली यूज लिक्विड प्रोपेलेंट, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल करने की बात आती है तो वहां पर हमारे लिए लिक्विड प्रोपेलेंट ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। यहां तक आपकी समझ में बात आ गई होगी, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आठवां नंबर का पैराग्राफ ये आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप साफ दिख रहा होगा आपको। चलिए इसमें देखेंगे हम, द रॉकेट गोज अप अंटिल इट रीचेज द हाइट एट विच द सैटेलाइट मस्ट बी पुट इनटू इट्स ऑर्बिट राउंड द अर्थ, जो आपकी सैटेलाइट है उतनी हाइट तक ले जाई जाती है जहां पर हम सेटिस्फाई होते हैं, जहां पर इस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है उस हाइट तक रॉकेट को हम ले जाते हैं, मीन्स रॉकेट वहां उस हाइट तक जाती है। देन द रॉकेट टर्न्स अंटिल इट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, उसके बाद रॉकेट को हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कराया जाता है, इसे टर्न किया जाता है। आफ्टर दिस सैटेलाइट इज ऑटोमेटिकली सेपरेटेड फ्रॉम द नोज ऑफ द रॉकेट, ठीक है। और जैसे ही वहां हॉरिजॉन्टली रॉकेट को तब तक चलाया जाता है जब तक कि सैटेलाइट जो है उसकी नोज से आगे लगाया जाता है, नोज पर सैटेलाइट को, तो वहां से सैटेलाइट आपकी अलग नहीं हो जाती तब तक इसे हॉरिजॉन्टली चलाते हैं। तो वहां पर जैसे ही जो हाइट उसके लिए फिक्स की होती है, इस हाइट पर हमको सैटेलाइट को छोड़ना है, वहां जाकर के सैटेलाइट में, और वो भी रेडियो सिग्नल की वजह से ही सारा काम होता है ऑटोमेटिकली, वो सेपरेट तभी होगा, वहां से नीचे से टाइमिंग फिक्स की जाती है, रेडियो सिग्नल्स दिए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्री प्लानिंग की वजह से सारा कुछ ये काम होता है और नीचे रेडियो सिग्नल के द्वारा सारा सारा, सारा उसे कंट्रोल किया जाता है। द सैटेलाइट गोज ऑन अलोन ट्रेवलिंग इट ट्रेवलिंग एट वेरी नियरली द सेम स्पीड एज द रॉकेट, और कुछ समय तक तो आपकी सैटेलाइट जो है रॉकेट की स्पीड की बराबर ही चलती है। इट डज नॉट नीड एनी फर्दर इंजन, और इसको वहां पर किसी प्रकार के दूसरे इंजन की जरूरत नहीं होती है। लेफ्ट टू इट सेल्फ इट विल गो ऑन ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द स्पीड विथ विच इज इट हैज स्टार्टेड, और उसके बाद से जैसे ही ऑर्बिट में पहुंचती है, ऑर्बिट में पहुंचने के बाद कुछ समय तक तो ये रॉकेट की स्पीड की बराबर ही चलेगी, उसके बाद जो स्पीड की जरूरत इसको अर्थ के ऑर्बिट में होती है वो स्पीड ऑटोमेटिक ले लेती है और फिर उसी हिसाब से ऑर्बिट में ये चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने का, ठीक है। हम इसे लॉन्च करते हैं, छोड़ते नहीं है सर, ठीक है, इसे हम स्टेबल नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। चलिए नौवे नंबर पर आएंगे, नौवे नंबर का पैराग्राफ आपका क्या कहता है ये देखिए, इसमें जानेंगे हम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर मेनी थिंग्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं उनका यूज क्या है, तो ये बता रहा है बहुत सारी चीजों के लिए। अब देखने जरा, वैसे तो आपको पता है कौन सी कौन सी चीजों के लिए हम इसे यूज करते हैं, बाकी एक बार फिर यहाँ देख लेते हैं कि किन किन चीजों के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज करते हैं।
बाई सेंडिंग देम थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द एटमोसफियर। हम इसे जब ऊपर छोड़ देते हैं एटमोसफियर में, धरती से पृथ्वी से परे, पृथ्वी के ऊपरी वातावरण के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो सबसे पहली बात जो होती है हमारी जो होती है एटमोसफियर, वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द एटमोसफियर, हमें ऊपर के वातावरण के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ बाई मीन्स ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, कैमरा हो गया और भी बहुत सारे, आपके मिनी लैब जैसे बोलते हैं, मिनी लैब बना करके तैयार करके ऊपर भेजी जाती है, तो हम उसे देख सकते हैं कि आपका सैटेलाइट के थ्रू हम जान सकते हैं वहाँ पृथ्वी की शेप क्या है, ठीक है, और ऊपर का एटमॉस्फेयर किस तरीके का है। तभी तो हम पृथ्वी पूरा ग्लोब बना सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, पृथ्वी की इमेज उन सैटेलाइट के थ्रू ही हमारे पास आती है, ठीक है। वेदर सैटेलाइट कैन ऑल्सो शो अस वेन द रेन विल कम। हम जो अपने मोबाइल पर आजकल बैठ के पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण के बारे में पूरे मौसम के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कब बारिश होगी, कहाँ बारिश होगी, कितनी बारिश हुई, आज कितनी गर्मी है, कल कितनी गर्मी है, वो कैसे मुमकिन हो पा रहा है, वो मुमकिन हो पा रहा है सर पूरा पूरा सैटेलाइट की वजह से। वो सैटेलाइट नहीं होंगे तो आप अपने स्मार्टफोन आपका पूरा डब्बा बन जाएगा, देखा था ना अंकल का टीवी डब्बा है, तो वो आपका फ़ोन भी डब्बा बन जाएगा बिना इंटरनेट कनेक्शन बिना सैटेलाइट की वजह से, ठीक है। ज़्यादा मत लिए अपने फ़ोन को हाथ में लेकर के। मैन आर ट्राइंग टू फोरकास्ट वेदर ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट, जो आजकल हो भी रहा है। आदमी पहले से पहले ही भविष्यवाणी कर देता है, फोरकास्टिंग कर देता है मौसम को लेकर के, वो भी किसकी हेल्प से, सैटेलाइट की वजह से, ठीक है। शायद जब तक ये आर्टिकल लिखा होगा, चैप्टर लिखा होगा, तो उनको पता नहीं होगा कि वेदर की फोरकास्टिंग हो जाएगी आगे चल के, तब तक नहीं हो पाती होगी, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैन आर ट्राइंग टू फोरकास्ट, या ट्राइंग नहीं वर्ड यूज हुआ था, आज आप फोरकास्ट कर सकते हैं, तो ट्राइंग वर्ड को यहाँ से हटा दिएगा आज के समय के हिसाब से, ठीक है। आज तो फोरकास्ट बिल्कुल कर पाते हैं। टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल कैन बी सेंट अप टू द स्पेस सैटेलाइट एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम देम टू प्लेसेज द वे अराउंड द वर्ल्ड। जो टेलीविजन और रेडियो के सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है स्पेशल सैटेलाइट के लिए, जो मैंने सैटेलाइट पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी हमने, एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट, तो वो उन सैटेलाइट का काम होता है, वही सैटेलाइट होती है टेलीविजन की और रेडियो सिग्नल्स की। तो स्पेशली इसलिए इसने लिखा है स्पेशल सैटेलाइट में, वो एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट स्पेशली डिजाइन की जाती हैं आपकी टेलीविजन और रेडियो के लिए, तो वहाँ पर उनके सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, और जैसे ही वो रिसीव करती हैं जिस जगह पर उनको ट्रांसमिट किया जाना है, वो भी वेव के और रेडियो सिग्नल्स के द्वारा ही सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है। तो जहाँ उनको ट्रांसमिट करना है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर वो सारे के सारे डेटा को ट्रांसमिट करती रहती हैं। द सैटेलाइट नीड देयर ओन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ दे आर टू ट्रांसमिट रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये कैसे होते, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे सारी बातें, मीन्स बहुत सारी बातें, मीन्स लगभग सारी बातें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये वापस से रिपीट कर रहा है कि सैटेलाइट जो भी रेडियो सिग्नल और टेलीविजन सिग्नल को वेव को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वो चीज़ हमने देखा था, हमने पहले ही समझ लिया था। उसके ऊपर एक छोटा सा मिनी पावर हाउस बनाया जाता है, जहाँ से सूरज से जो आप सोलर एनर्जी अपने पास घरों में आज यूज कर रहे हो ना, सोलर एनर्जी से अपने बैटरी को चार्ज कर लिया और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हो, वही चीज़ उनके साथ बहुत साल पहले आपके सेटेलाइट में यूज की जाती रही है। वो बात अलग है कि आपके घर तक देर में आ पाई है वो, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर लेते हैं, और वहाँ से वो उस एनर्जी का यूज करते हैं वो आपके लिए रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जरा लास्ट पैराग्राफ पर, ठीक है, लास्ट के नेक्स्ट पैराग्राफ पर, दसवां पैराग्राफ आपका नेक्स्ट है मेरे ख्याल से, उसके बाद आपके दो पैराग्राफ और बच जाते हैं, ठीक है। तो ये दसवां पैराग्राफ है, इसे देखेंगे जरा इसमें क्या दिया हुआ है। मैन कैन सर्कल द अर्थ इन द मैन कैरिंग सैटेलाइट। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं पृथ्वी पर जा सकता है या फिर सैटेलाइट बैठ के जा सकता है, और वो सैटेलाइट आपके अलग होती हैं, वो मैन कैरिंग सैटेलाइट होती हैं, इनमें आदमी स्पेशल बैठ के जाता है क्योंकि आदमी के हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। अ सैटेलाइट दैट कैरीज अ मैन प्रोवाइड्स अ परफेक्ट इमिटेशन ऑफ द क्लाइमेट दैट ही वुड लिव इन बिलो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसे आदमी के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें आदमी ट्रेवल करता है, आदमी जाएगा सैटेलाइट बैठ करके, उसे आदमी के हिसाब से जैसा क्लाइमेट पृथ्वी पर उसे मिल रहा है वैसा क्लाइमेट उस पूरे सैटेलाइट में तैयार किया जाएगा, तब जा करके वो ऊपर जा पाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता ऊपर कितनी गर्मी कितनी सर्दी क्या है, इसीलिए पूरा का पूरा एटमोसफेयर उसे इस तरीके का यहाँ का बना के दिया जाता है, जैसा कि जिस क्लाइमेट में जिस एटमोसफेयर में मैन आदमी रह रहा है। साइंटिस्ट जाते हैं, कल्पना चावला गई हुई हैं, ठीक है, सुनीता विलियम्स गई हुई हैं, राकेश शर्मा, ये किस कैसे गए, वो सारे सारे इसी तरीके से जा पाए हैं।
there is enough oxygen for him to breathe and the temperature is not too high or too low. बताया मैंने अभी आपको, वहां पर ऑक्सीजन को प्राप्त पर्याप्त मात्रा में रखा जाता है और सांस लेने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता ऊपर ऑक्सीजन कितनी कम है कितनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ से पूरा एग्जाम करके चलते हैं। और वो जो आपका तापमान होता है टेम्परेचर, उसे ना तो ज्यादा गर्म किया जाता है और ना ही ज्यादा ठंडा किया जाता है, नहीं तो दोनों ही स्थिति में आदमी चल बसेगा। द सैटेलाइट प्रोटेक्ट द मैन फ्रॉम एनी डेंजरस रेज दैट एग्जिस्ट इन द स्पेस, और वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और कोई खतरनाक किरणें अगर उसे आकर के नुकसान ना पहुंचा पाए, इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं और उसके लिए सारा इंतजाम किया जाता है। ही हैज इनफ फूड एंड ही इज एबल टू टॉक टू द पीपल ऑन द ग्राउंड, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में खाना भेजा जाता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वह किसी भी तरीके से पृथ्वी पर आदमी से बात कर सके, और उसका पूरा इंतजाम भी किया जाता है और बात भी करता है पृथ्वी पर आदमियों से। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखेंगे, जरा 11 नंबर पे आ जाइए, इन पर है आपके, देख पा रहे हैं आराम से, पढ़ पा रहे हैं। ऑर्डिनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिटर्न टू द अर्थ, जो आपकी ऑर्डिनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है जिनसे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में, वो पृथ्वी पर लौट करके नहीं आती हैं। आइदर दे गो ऑन सर्कलिंग टू द अर्थ और दे बर्न अप एज दे फॉल थ्रू द एयर टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, या तो वो अपने सैटेलाइट के साथ पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर का लगा रही होती हैं, या फिर किसी तरीके से उनका डिसबैलेंस हो जाता है तो पृथ्वी पर या फिर हवा में कहीं भी बिखर कर टूट कर बिखर गई होती हैं। ठीक है, हाउ एवर अ मैन कैरिंग सैटेलाइट मस्ट रिटर्न सेफली टू द अर्थ, लेकिन जो आदमी ले जाने वाली सैटेलाइट है वो पृथ्वी पर लौट करके आती है और उसे आना भी चाहिए। स्पेशल रॉकेट्स आर यूज टू स्लो द सैटेलाइट डाउन एज इट फॉल्स, उसके लिए स्पेशल रॉकेट का यूज करते हैं जिससे कि पृथ्वी पर आते समय उसकी स्पीड को हम मेंटेन कर सकें। इसके लिए हमने पहले भी जाना है, जब हम सैटेलाइट का यूज करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उस समय भी हम उसकी स्पीड को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए स्पेशल सैटेलाइट का यूज करते हैं जिससे उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। दिस मीन्स दैट देयर इज लेस फ्रिक्शन फ्रॉम द एयर एंड सो दैट सैटेलाइट डज नॉट गेट द हॉट, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सारी चीज़ें पहले वाली अब लौट लौट के आ रही हैं, स्पीड कम करनी जरूरत इसलिए पड़ती है हमको, क्योंकि अगर नीचे वाला एटमोसफेयर जो है वहाँ की एयर जो है उसका प्रेशर कम होता है, ऊपर से अगर सेटेलाइट ज़्यादा हाई प्रेशर में आएगी फ्रिक्शन होगा और उसमें आग लग जाएगी, इसलिए उस आग लगने से बचाने के लिए उसकी स्पीड को कम करना जरूरी होता है। इवन सो अ हीट शील्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फ्रिक्शन दैट देयर इज, इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए एक हीट प्रोटेक्शन शील्ड भी उन जो ह्यूमन कैरिंग सैटेलाइट होती हैं उनके ऊपर लगाई जाती है। नियर द एंड ऑफ इट्स फॉल द सैटेलाइट इज स्लोड डाउन स्टिल मोर बाय अ स्पेशल पैराशूट, और इसके बाद भी सैटेलाइट को ज़्यादा सुरक्षित उतारने के लिए धरती के नज़दीक नज़दीक आते तक तो वहाँ पर पैराशूट का इस्तेमाल हम करते हैं, स्पेशल पैराशूट जो कि उस सैटेलाइट का वजन भी झेल सके। ठीक है, तो इससे उसकी स्पीड और भी कम हो जाती है और जो भी साइंटिस्ट और जो भी आदमी उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, मतलब जाकर के वापस आ रहे होते हैं, जा रहे आ रहे होते नहीं है कुछ, ठीक है, तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है, वो सेफली वो नीचे लैंड कर जाते हैं। चलिए अब आज जरा आगे बढ़ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, दो लाइन है फिनिशिंग लाइन जो इसे पूरे को पूरे चैप्टर को फाइनलाइज कर रही है। मैन हैज सेट हिज फुट ऑन द मून एंड ही इज नाउ प्लानिंग टू ट्रेवल टू द वीनस एंड बैक, आदमी चंद्रमा पर पहुंच चुका है और अब उसकी तैयारी चल रही है वीनस पर जाने की और वापस आने की। चंद्रमा पर जाकर के आदमी वापस आ चुका है, राकेश शर्मा आप देख रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग वो भी जा चुके हैं, तो जाकर के वापस आ चुके हैं, अब उनकी वीनस पर जाने की तैयारी है और वीनस पर जाकर के वापस आने की तैयारी भी वो कर रहा है, हालांकि अभी तक वीनस पर नहीं जा पाया है कोई, मार्स पर तो पहुंच गए। द डे इज नॉट फार ऑफ व्हेन दीज शैल बी रेगुलर स्पेस फ्लाइट फ्रॉम द अर्थ टू दी प्लैनेट्स, वो दिन भी अब दूर नहीं है जब हम इन प्लैनेट्स को पृथ्वी पर पृथ्वी से इन प्लैनेट्स पर जाने के लिए रेगुलर फ्लाइट का यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम अपने लोकल और अर्थ पर ट्रेन्स का और प्लेन्स का एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी वो दिन अब दूर नहीं है। साइंस की हेल्प से साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि हम रेगुलर फ्लाइट यूज करने लगेंगे पृथ्वी से चांद पर जाने के लिए, पृथ्वी से वीनस पर जाने के लिए, पृथ्वी से मार्स पर जाने के लिए। ठीक है,
तो ये था आपका चैप्टर पूरा का पूरा, क्वेश्चन एंड आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लेना जरा। पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, यू आर फ्री टू कॉल, यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, तो आप देखेंगे सारे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें दिए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई ज़रूरत होती है किसी भी तरीके की हेल्प की, आप मुझसे कह दीजिए, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा सारा मटेरियल, जो भी आप कहेंगे मुझसे, जो भी आप बताएंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराने की, आपकी कंप्लीट हेल्प करने की। तो उम्मीद है आपकी समझ में चैप्टर आ गया होगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अब चैप्टर आपका खत्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी का सेक्शन, तो दो चैप्टर इससे कंप्लीट हो गए, दो चैप्टर हिंदी का सेक्शन के कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे हिंदी का सेक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो आप उम्मीद है आपकी समझ में चैप्टर आया है, आपकी समझ में चैप्टर आया है तो आप इस चैप्टर को आगे बढ़ाइए, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनकी भी आप हेल्प करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि मुझे अब कुछ लोगों के दिमाग में बात ये चल रही होगी, सर ने हमें पीडीएफ नोट्स आप प्रोवाइड कराने की बात कर रहे थे, तो हमें पीडीएफ नोट्स नहीं प्रोवाइड कराए हैं, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी है कि आपके लिए मैंने पूरी बुक उस तरीके की प्रोवाइड पहले से पहले करा दी है, जहां पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप टेक्स्ट की हिंदी देख सकते हैं, कंप्लीट टेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी अगर आपके समझ में इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो हिंदी में आप पढ़ के उसे समझ सकते हैं। ये मतलब नहीं है आपकी बुक में टेक्स्ट है कि आप इसे पढ़ेंगे तो हिंदी में इसमें से क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, नहीं, इसके साथ हिंदी जरूर भी है, वो आपकी सहूलियत के लिए, आपको समझाने के लिए, इसीलिए मैंने ये वाली बुक जानबूझ करके आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो आप पढ़िए, समझिए, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, कॉमेंट करके बता दीजिए, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, गूगल क्लासरूम में मुझे मैसेज कर दीजिए, जहां भी करेंगे वहां पर मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने की कोशिश 100% करूंगा। उम्मीद है आप आगे तैयार रहेंगे पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ, तो पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, इंतजार करिए अगले वीडियो का, जल्दी ही कल मिलते हैं, कल ही आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्कार।